नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए नजर डालते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को सीएम रेसिडेंस में ऑर्गन डोनेशन महादान अभियान और ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल। उन्होंने कहा कि मैं कई बार मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का सोचता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना के तहत हार्ट ट्रांसप्लांट कराने वाली अलवर की रहने वाली वाली धौली देवी से संवाद किया। माता पिता की सहमति नहीं तो राजस्थान के पाली शहर में वकील नहीं करवाएंगे शादी, बार एसोसिएशन का फैसला। राजस्थान के पाली में अब घर से भागकर लव मैरिज करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। पाली बार एसोसिएशन ने माता पिता की सहमति के बिना इस प्रकार के विवाह कोर्ट में नहीं करवाने का निर्णय लिया है। पाली में बेटी के प्रेम विवाह से आहत माता पिता ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसी के मद्देनजर बार एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। शराब ठेका चलाना है तो 3 लाख रुपए दो, एसीबी ने आबकारी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा। जयपुर में आबकारी इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। 2 दलालों को भी एसीबी ने पकड़ा है। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। आरोप है कि आबकारी इंस्पेक्टर दलालों के जरिए शराब ठेकेदारों को धमकी दे रहे थे। कहा जा रहा है कि यदि शराब की ठेका चलानी है तो 3 लाख रुपए लेकर आओ। शराब ठेकेदार ने इसकी शिकायत एसीबी को की है और अधिकारी को ट्रैप कराया है। हर दिन 19 दुष्कर्म अलवर के बाद भिलवाड़ा ने राजस्थान को किया शर्मसार। बच्चियों के साथ 2.79% बढ़े मामले। राजस्थान में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक के बाद एक ऐसी हैवानियत घटनाएं सामने आ रही है जिससे प्रदेश को शर्मसार होना पड़ रहा है। हाल ही में अलवर से 2 ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें नाबालिग को हवस का शिकार बनाया गया था। अब भिलवाड़ा जिले से भी बच्ची के साथ गैंग रेप की ऐसी घटना की सामने आई है जिसमें दुष्कर्म के बाद बच्ची को भट्टी में जला दिया गया। 30 जून 2023 तक राजस्थान में महिलाओं और नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के कुल 3,406 प्रकरण दर्ज हुए थे, यानी 18.81 प्रकरण प्रतिदिन सामने आए हैं। इनमें से 848 मुकदमे नाबालिग बालिकाओं के साथ हुए दुष्कर्म के हैं। गत वर्ष 2022 की तुलना में राजस्थान में नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के 2.79% मामले बढ़ गए हैं। पाली रोड में सवारियों से भरी रोडवेज बस बेकाबू होकर पुलिया के नीचे जा गिरी। पाली के रोहट में सवारियों से भरी रोडवेज बस बेकाबू होकर पुलिया से नीचे उतरने की सूचना है। रोडवेज बस में सवार 2 दर्जन लोगों को मामूली चोट आई है। क्षतिग्रस्त सड़क की वजह से 1 सप्ताह में यहां यह दूसरी हादसा हुई है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।